मैं शर्मिला फेरिया, आप देख रहे हैं खुशी होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की जो जिग जैक वाली सलवार है इसकी कटिंग करना बताऊंगी। तो इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, अभी तक मैं आपको सलवार कटिंग की वीडियो बहुत सारी दे चुकी हूँ और कुर्ती की कटिंग के लिए मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दे दूँ। जैसे कि हमारे पास इस तरह के पैटर्न है, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, कॉल करके भी। एक पैकेट में 5 नाप मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ये 34 नाप का है, ये फ्रंट है और ये बैक है। इसके साथ में आपको बाजू फ्री मिल जाएगी और इस तरह से हमारे पास पैंटों के भी है, ब्लाउजों के भी है, यानी कि सभी प्रकार के ये पैटर्न अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो इस नंबर से आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ये एक पैटर्न लिया, आप किस भी नाप का ले सकते हो। एक पैकेट में 5 नाप मिलते हैं जो आपको 1100 रुपये में मिल जाते हैं। और अगर आप सभी साइज लेना चाहते हैं, यानी कि दोनों पैकेट लेना चाहते हो, तो इसमें आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 2000 रुपये में दोनों पैकेट मिल जाएंगे। ये पैटर्न लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से अपने कपड़े के ऊपर पैटर्न रखना है और जहां पे मैंने कटिंग की हुई है वहीं पे ऐसे निशान लगा के आप अपने कपड़े की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आती है। तो यानी कि स्टिचिंग के निशान भी आपको लगाए हुए यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको प्लेट लगानी है तो प्लेट के निशान भी है, प्लेट नहीं लगानी है तो इनको आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप सीधा फिटिंग का निशान भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए अगर आपको कटिंग या स्टिचिंग में कोई भी दिक्कत आ। सबसे पहले हम सलवार की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को मोड़ लेंगे, कन्नी की साइड से दोनों कन्नी इकट्ठी हो जाएगी तो ये कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड हो जाएगा। पूरे कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरह से आपको डबल करके ऐसे करके देखना है कि कपड़े में कहीं पे थोड़ा सा टेढ़ापन नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरह से कपड़े को अपना सीधा रख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं सलवार की कटिंग। अब आपको पार्ट की लंबाई लेनी है, पार्ट की लंबाई आप कितनी रखेंगे, चाहे आप किस भी साइज की सलवार कटिंग करें तो उसमें आपको जितनी सलवार बनानी है उसमें आप 4 माइनस कर लीजिए। जैसे कि मुझे ये 38 इंच की रेडी करनी है तो मैं 34 इंच का निशान लगाऊंगी, 34 इंच का यहाँ पे निशान लगाऊंगी और यहां से कपड़े को पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे मुड़ जाता है बिना लाइन लगाए, कपड़ा एक साथ मुड़ जाता है लाइन के जैसा ही। इसको हम यहां से कटिंग कर देंगे। अब देखिए इसमें हम बनाएंगे पार्ट। पार्ट के लिए हम पूरी चौड़ाई नहीं रखेंगे, जितना आपको पोंचा रखना है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जैसे कि मुझे 6 इंच का पोंचा रखना है तो मैं 7 इंच का पार्ट रख सकती हूँ, यहाँ पे 7 इंच का पार्ट रखेंगे। ये 7 इंच पे मैंने कपड़े को मोड़ लिया है, अब यहां से कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट के साइड से बच गया है कपड़ा और अब हमें पहले कली कटिंग करनी है। तो इस तरह से कपड़े को फैला लेंगे, फैलाने के बाद लंबाई की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को ऐसे, और ऐसे फोल्ड करके हम देखेंगे कि कली हमें कितनी बनानी है। मुझे 33 इंच की कली बनानी है तो ये है 32 इंच, इसमें 33 इंच की कली नहीं बन पाएगी। तो हम इस कपड़े में से सीधी ही कटिंग करेंगे, सीधी मतलब ऐसे, जितनी आपको कली की लंबाई लेनी है। जैसे हमने पार्ट के लिए कपड़ा निकाला उसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे पहले की तरह, और अब हमें 33 इंच कली का निशान लगाना है। यहाँ पे 33 इंच पे निशान लगाया मैंने कली का। आगे देखते हैं कपड़ा कितना बचा है, तो देखो कपड़ा बच गया है 30.5 इंच। इसमें हम 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, यहां से कपड़े को उतार देंगे 15.5 इंच पे। पहले कली की लंबाई ले ली और फिर ये 14.5 या 15 इंच तक ये जितना भी बचा है आसन बच गया और बाकी का कपड़ा उतार लेंगे।
बाकी का कपड़ा उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे 15 इंच आसन और ये कली की लंबाई है, तो दूसरी साइड हम 15 इंच आसन ले लेंगे। अब आप सोचेंगे कि 15 इंच आसन क्यों लिया है, तो ये ले लिया मैंने 15 इंच आसन। ये दोनों लाइन यहां से मिला लेंगे आसन के आसन से और यहां से कटिंग कर देंगे। लाइन नहीं दिख रही है आपको, कोई बात नहीं, मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ। जैसे हम नॉर्मल कली कटिंग करते हैं, कितने भी हैवी कपड़े में आसन से आसन की लाइन मिला के कटिंग करते हैं, वैसे ही कटिंग किया। अब चारों कली इकट्ठी कर लेंगे। अब देखिए ये जो 15 इंच आसन है, इसके पास में जो हमने 15.5 इंच कपड़ा निकाला इसको रखेंगे। अब यहाँ पे हम आसन लेंगे, जितना हमें आसन चाहिए 10 या 10.5 इंच जितना भी आपको रखना है ये, और यहाँ से निशान लगा के आप इसको कटिंग कर सकते हैं। अगर आप पार्ट में से बचे हुए कपड़े में से बेल्ट बना सकते हैं तो ऐसे कटिंग करेंगे, अगर इसमें से बेल्ट नहीं बनता है तो मैं आपको एक आइडिया और दे देती हूँ। जैसे कि बेल्ट का ये कपड़ा इसमें से निकाल लेंगे, आप यहाँ से कटिंग करेंगे, तो ये हो गई छोटी कली, ये बड़ी कली और ये हो गई इसके पार्ट। ये देखिए अच्छा खासा घेर बन गया सलवार का। तो इस तरह से आप सलवार की कटिंग कीजिए और ये जो पार्ट के साइड से बचा कपड़ा इसमें से हम बेल्ट बना लेंगे। ये थोड़ा कपड़ा बच गया है, इसका जोड़ लगा के बेल्ट को रेडी कर लेंगे। अगर इसमें से थोड़ा कम रहता है तो कोई और कपड़ा भी ज्वाइंट कर सकते हैं, कुर्ती का कपड़ा भी ज्वाइंट कर सकते हैं बेल्ट के आगे, तो ये सलवार रेडी हो जाती है। इस तरह से कटिंग कीजिए अपनी सलवार की, यानी कि पूरी सलवार में ये जो लाइन मैंने दिखाई आपको कपड़े में, आप दोबारा से दिखा दो आपको कटिंग करने के बाद। ये देखिए पार्ट की लाइन तो आपको दिख रही है, सीधी है, और इसी तरह से सभी कलियों की लाइन सीधी है। ये जो कलियों की लाइन है, ये अगर इस तरह से आडे कपड़े में काटे जाए तो ये बिल्कुल ही गंदी लगती है सलवार, फिनिशिंग नहीं आती है। और ये जो छोटी कली कटिंग की है इसमें तो कोई बात नहीं, चाहे आडे कपड़े में आए या सीधे में आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कुर्ती के नीचे आ जाता है, लेकिन ये भी सीधे में आ गया है तो सलवार बहुत अच्छी बन जाएगी। इस तरह से आप अपनी सलवार की कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।